Yes, Anwar sir. Yes, sir. Amazing. I feel very lucky because after the wait of 2 years, the film is releasing, and fortunately it's the theater is opening with our film, and it's a big deal because all the industry people, cinema world, everybody was waiting for something like this to happen so that the people can just come out of their houses and watch the film again. As in COVID times, people have got little reluctant and they like to be staying at home and watch web series and all, but thanks to Rohit sir and thanks to Suryavanshi that people have again started pouring in, and I think it's a great news. Aap busy rahe hain pure lockdown mein, you've been shooting biggest Tamil films, Telugu films, you talk about down south, it's all about you, to kaisa feel ho raha hai, itna acha kaam kar rahe hain aap, next baddie ban rahe hain film industry ke? थैंक यू, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे. आपने सही कहा भी, अन्नाथे रजनी सर के साथ दिवाली के दिन रिलीज़ हुई और आज सूर्यवंशी रिलीज़ हुई, तो दो दिन में दो इतनी बड़ी फिल्में, मैं अपने आप को काफ़ी फॉर्चुनेट मानूंगा. मेरे ख्याल से ये सब समय का खेल है. इंसान तो मैं वही हूँ, टैलेंट भी वही है, पर जब आपका अच्छा टाइम आता है तभी सब चीज़ें अपने आप सही जगह पर होने लगती हैं. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और ख़ास करके सूर्यवंशी की जिस तरह से ओपनिंग हो रही है, हालांकि लेट नाइट काफ़ी लेट शोज़ ओपन हुए, बट फटाफट अभी सारे स्क्रीन हाउसफुल जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है. ऑल थैंक्स टू रोहित सर, अक्षय सर, अजय सर, एवरीबॉडी. तैयारी तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस दिन रोहित सर ने मुझे साइन किया उसी वक्त मैं काफ़ी अश्योर्ड हो गया कि अब चीज़ें सही होंगी. और ऑफ कोर्स जब अक्षय सर के साथ मैंने शूटिंग शुरू की, तो अक्षय सर जो इतने बड़े स्टार हैं, पर इतने हम्बल हैं और इतने सिंपल हैं, इतनी ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं, इतने डिसिप्लिन हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला. और थैंकफुली मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अक्षय कुमार जितने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे सेट पर इतना कम्फर्टेबल फील करवाया. रोहित सर, उनके बारे में तो क्या कहें, वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं और आपको पूरी लिबर्टी देते हैं, आप एक्टिंग करो. और इनफैक्ट इफ़ यू आर वर्किंग विद रोहित सर, यू डोंट हैव टू डू मच, यू हैव टू जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, बिकॉज सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली सजी सजाई मिलती हैं आपको कि आप उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता. तो रोहित सर, अक्षय सर, अजय सर, इन सब के बिना सपोर्ट के ये हो नहीं पाता. इन लोगों ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, और जिस तरह से मेरा रोल शेपअप हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरा क्रेडिट मैं रोहित सर को देना चाहता हूँ. तीन लुक उन्होंने मेरे डिज़ाइन किए, इसमें तीन अलग अलग बॉडी लैंग्वेज थी, तीन अलग अलग पड़ाव थे इस कैरेक्टर के, और वो सब रोहित सर ने ऐसे डिज़ाइन करके दिया मुझे कि सब सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं अभी. हाँ, काफ़ी कुछ बीच बीच में. वैसे तो फिल्म सीरियस भी है, पर बीच बीच में थोड़ा सा कॉमिक टच भी है इसमें, और
ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़बरदस्ती की कॉमेडी करने की कोशिश की गई है। तो हमेशा बैठते हुए काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। रणवीर के साथ भी जब वो लास्ट का जब डायलॉग बोल रहा है मुझसे, तो मुझे खुद को हंसी आ रही थी, उसकी ऐसी लाइंस थी, मगर मुझे सीरियस रहने की एक्टिंग करनी थी। फिर जैसे ही सिंघम आने लगे तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार अब हम लोग को अपने आप को चाकू मार लेना चाहिए, क्योंकि अब सिंघम आ गया है, इसके पहले कि वो मारे हम लोग खुद ही मर जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी सारी अच्छी यादें हैं इस फिल्म के साथ। हाँ, रजनी सर के साथ जब से मैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तब से मेरी वाइफ सरगम मुझसे एक ही सवाल पूछती थी कि तुम रजनी सर के साथ कब काम करोगे, रजनी सर के साथ कब काम करोगे। फॉर्चुनेटली वो पल आ गया और डायरेक्टर सेवा ने मुझे कास्ट किया और अनाथ में काफ़ी अच्छा रोल मेरा शेपअप हुआ, रजनी सर के साथ काम करने का मौका मिला। कमाल के आदमी हैं, कमाल के इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और मज़ा आ गया उनके साथ मिलकर काम करके। नो, एक्चुअली यू आर राइट कि एक ही तरह के कैरेक्टर करते करते आप बोर होने लगते हैं, पर अगर आप लकी हैं, अगर आप फॉर्चुनेट हैं, तो आपको अलग तरह के किरदार भी ऑफर किए जाते हैं। जैसे बच्चन पांडे में मेरा रोल बिल्कुल अलग है, फिर मैं कुछ वेब सीरीज कर रहा हूँ जिसमें मैं पॉजिटिव लीड भी कर रहा हूँ। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रोल्स और कैरेक्टर्स को शफल करता रहे और वो किसी एक मोल्ड में न जाए। हालांकि बेगर्स कांट बी चूजर्स, बट आपको जो भी चीज़ें जो आती है, वट एवर कम्स योर वे, यू हैव टू चूज एंड पिक अप द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नेगेटिव मैंने काफ़ी कर लिया, अब पॉजिटिव कॉमेडी और कुछ अलग अलग तरह के किरदार अब मैंने करना शुरू कर दिया है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑल द टाइम। जी हाँ, 2 साल के बाद ही हमारा आना हुआ, मैं अपने वाइफ और बच्चों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स फैमिली के साथ 2 साल के बाद ही आ पाया हूँ। और आज विक्रम संवत है, मतलब आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत है, और इस दिन इस फिल्म का रिलीज़ होना मतलब एक बहुत बड़ा संदेश है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हम सबों के लिए कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत अच्छे दिन पर यह फिल्म रिलीज़ हुई है। और थिएटर आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आई कैन रियली ब्रीद नाउ, आई वॉज रियली मिसिंग ऑल दिस। तो सर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से 3 हीरो के साथ एक साथ काम करना हो, तो अगर आपके सबसे ज़्यादा क्लोज आए होंगे तो वो कौन? देखिए, रणवीर के साथ मैं ऑलरेडी पहले काम कर चुका हूँ रामलीला में, तो उसके साथ तो एक रैपो था ही, पर अक्षय सर के साथ मैं बहुत दिन बिताए सूर्यवंशी में, तो अक्षय सर के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई। और हम लोग फिर बच्चन पांडे में भी साथ में काम करने लगे, तो अराउंड 60 डेज हम लोग साथ में थे, तो बहुत मस्ती, बहुत कुछ हुआ धमाल। तो अभी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इन तीनों स्टार्स में से अक्षय सर के सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, इन द सेंस कि मैं उनके साथ ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा वक्त बिताया है, मेरी उनकी केमिस्ट्री कुछ मतलब अच्छी है ऐसा लगता है मुझे। रजनीकांत सर के साथ भी आप काम करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? सीखने को ये मिला कि आप कितने भी रिच या कितने भी फेमस क्यों ना हो जाएं, आप कैसे इतना सिंपल रह सकते हैं, आप कैसे इतना ग्राउंडेड रह सकते हैं, ये बात मैंने रजनी सर से सीखी। एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि बॉडी में भी एक एरोगेंस नहीं है, इतने बड़े स्टार हैं वो, और जैसे ही आप उनको ग्रीट करते हो खुद ही ऐसे झुक जाते हैं, बोलते हैं हेलो हेलो। एक असिस्टेंट आके उनको कुछ बोलता है करने के लिए और वो बोलते हैं ओके सर आई विल डू इट। तो रजनी सर से सीखने के लिए ये है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, आप अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ सकते और आप हम्बल आपको रहना है, क्योंकि दूसरा इंसान भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप हो। एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विथ समथिंग स्पेशल। सो
मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया, आप लोग बाहर निकलिए और सीधा सूर्यवंशी देखने थिएटर में पहुँचिए, बिकॉज आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी लाइफ में उमंग आ जाएगा और जो चीज़ें मिसिंग थी अभी वापस से हो जाएंगी, और प्लीज़ आप आएँ और सूर्यवंशी देखिए। थैंक यू सर। लास्टली क्वेश्चन, आपने सचिन पांडे बताया और आप तमिल फिल्म कर चुके हैं रजनी सर के साथ सूर्यवंशी, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? हाँ, मैं बिहार डायरीज कर रहा हूँ नीरज पांडे के लिए वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स के लिए, और भी 2-3 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, और 2-3 बड़ी फिल्में हो रही हैं मगर अभी मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रहा, बिकॉज एक बार वो अनाउंसमेंट आ जाए तो बात करने में मज़ा आएगा, पर मैं अभी काफ़ी 2-3 बड़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ ऊपर वाले की दया से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।